सभी मेरे दोस्तों, आज कर्नाटक में और केंद्र में जो जनविरोधी बीजेपी की सरकार है और महंगाई से लोग इतने परेशान हैं कि पेट्रोल का भाव 105 रुपए हुआ है, डीजल का भाव 100 रुपए के नजदीक आया है, सिलेंडर का भाव 900-1000 रुपए तक गया है और यहाँ पर जो भी डेली उपयोग होने के वस्तुएं हैं उन सभी का भाव महंगाई बढ़ के लोग परेशान से घूम रहे हैं और राज्य और केंद्र सरकार को संवेदना ही नहीं है। कर्नाटक के राज्य में तो कोई शासन ही नहीं है, यहाँ पर दिन ब दिन अटकलें निकलते हैं उनकी पार्टी से कि मुख्यमंत्री कदम अकल बदल रहा है, परसों बदल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोरोना के टाइम पे केंद्र राज्य सरकार की विफलता से जो हजारों लाखों लोगों के जाने चले गए, करोड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, संक्रमण जो इतना परेशान हो गए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य का बीजेपी सरकार लेनी चाहिए। जितने लोग मरे हैं वो भी जो है ना सही आंकड़े नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। देश में 40 लाख लोग मरे तो 4 लाख बताते हैं, राज्य में जो है ना 3 लाख लोग मरे तो 35 लाख बताते हैं। एक झूठ बता के जो लोगों के साथ विश्वासघात राज्य की बीजेपी सरकार कर रही है। नियम है कि सभी को 4 लाख रुपए परिहार देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में बोला है परिहार देने का रुकाने के लिए ये लोग जो नाटक कर रहे हैं इसका हम खंडन करते हैं। और कर्नाटक में जो अस्थिर सरकार है, हम डिमांड करते हैं कि मध्यंतर चुनाव हो जाए, असेंबली को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इतनी जो ना गलत इतना खराब जो ना शासन तो पहले कभी कर्नाटक में हम देखे नहीं। तो ऐसे में लोग भी सोच रहे हैं कि ऐसी सरकार रहे तो क्या, गए तो क्या, कोई बात जवाब नहीं। तो इसलिए आज बसों कल्याण में हमारे पार्टी का कार्यकर्ताओं का प्रमुख नेताओं का भी सभा है, अगले दिनों का तैयारी भी हो रहा है। हमारे पार्टी के आदेश के तहत जो सोनिया जी, राहुल जी, सुरजेवाला जी और रात में डी के शिवकुमार जी, सिद्धरामैया जी, खड़गे जी, सभी जन मिल के जो हमने एक योजना बनाया है, उस योजना के तहत सांत्वन कार्यक्रम जो अब तक जो साइकिल रैली हुआ, जो कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के भाव में जो महंगाई बढ़ गई थी उसके खिलाफ आंदोलन जाना चला और अभी भी वो जारी रहेगा। ये महंगाई कम होने तक उसके साथ साथ कोविड में जो लोग संकट में आए, जो लोग जो ना अपने घर बार बेच लिए, जो लोग अपने प्रिय लोगों को खो लिए, ऐसे लोगों के घरों को जाके उनको सांत्वना देना और एक सर्टिफिकेट जो उनको सरकार से मिलना चाहिए परिवार के लिए, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके तरफ से सर्टिफिकेट वगैरह हमारे कार्यकर्ता ही बनाएंगे, बना के सरकार के ऊपर दबाव डाल के उनको मुआवजाओं को परिहार दिलाने का। और हमारे तरफ से जो कोविड के समय में हमारे कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं सभी तरफ एम्बुलेंस दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर दिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए, जैसे कई और रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए जो ना बहुत कुछ मेहनत करे, जो ऐसे कई किट दिए पूरे कार्यक्रम गरीब लोगों को, तो ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करना, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी एक कार्यक्रम हमारे तरफ से पार्टी की तरफ से हो रहा है। उसका भी जो है ना एक प्रगति परिशीलन करना, लोगों को बोलना, उसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में स्थलीय संस्थाओं के चुनाव हैं, जो तालुक पंचायत जिला पंचायत के चुनाव कभी भी घोषणा हो सकता है, समय हुआ है कोरोना की वजह से जो आगे डाला गया है, तो मैं समझता हूँ कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, उस चुनाव के भी पूर्व सिद्धता चलेगा और हमारे जो संगठन हैं सभी लोग मिल के जो ना चर्चा करके संगठन को मजबूत करके आने वाले दिनों में फिर एक बार कर्नाटक में लोगों के हित के लिए कांग्रेस का सरकार बराबर जो ना लेके आने का
प्रयत्न और संकल्प हम लोग कर रहे हैं। सर एक सवाल, जो पिछले इलेक्शन होगा बाई इलेक्शन उसमें कांग्रेस के हारने की वजह क्या रही सर? मैं अभी अभी बताया हूँ, कर्नाटक में देखो जितने भी उपचुनाव हुए कर्नाटक में, बाद में पहले जो 17 उपचुनाव हुए, जो हमारे विधायक लोग हमारे पार्टी से जीत के गद्दारी कर रहे थे, उस चुनाव में भी हमने देखा एक दो छोड़ के जो नाम सफल नहीं हो सके। बाद में आर नगर का चुनाव हुआ, सिरा का चुनाव हुआ, वहाँ पर भी सफल नहीं हो सके। इस बार हम लोग मस्की में भारी बहुमत से विजय हुए हैं। बेलगम लोकसभा में बहुत ही कम अंतर से हम जो है ना चुनाव में हारे हैं। बसुकल्याण के चुनाव के बारे में भी मैंने अभी बोला है कि बीजेपी का जो अधिकार का दुरुपयोग, उनका पैसा, उनका आडलित जो कि शासन के अधिकारियों को दुरुपयोग करके लोगों को दिशाभूल किए हैं, फिर भी ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनता का न्याय, जनता का जो भी जो है ना डिसीजन होता है तो हम मानते हैं। हमारे संगठन में जो भी अभी कुछ न्यूनताएं हैं, उस न्यूनताओं को बराबर करके, खामियों को जो है ना बराबर करके आने वाले दिनों में जो हमने घोषणा किया था कि बसुकल्याण के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे, मजबूत करके बीदर ज़िले में, सिर्फ बसुकल्याण में भी नहीं पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायकों को जिताने का, आने वाले जिला पंचायत तालुक पंचायत चुनाव में भी हमारे उम्मीदवारों को जिता के तो हमारे कांग्रेस के जो है ना अंतर का ताने जैसा करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बसुकल्याण के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं खून नजर आ रही है, यहाँ पे दो टीम है, एक माला भी रह सकते हैं और दूसरी जो है तो आपको क्या लगता है कि ये एक हुए तो क्या आप क्या करेंगे? देखो कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, हमारे पार्टी में सभी समुदाय के, सभी वर्ग के, सभी संगठन के सभी लोग यहाँ पर जो है ना सदस्य हैं, मेंबर हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के तत्व सिद्धांत को मानता है वो कांग्रेसमैन है, कहाँ भी रहना। जो कांग्रेस के तत्व सिद्धांत को, जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको नहीं मानता है वो कांग्रेसमैन नहीं है। अब एक इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद छोटे मोटे मतभेद रहते हैं वो बात अलग है, परिवार में मतभेद रहे तो भी जब समय आता है तो सभी लोग मिलकर ही फाइट करते हैं, संघर्ष करते हैं। ऐसा कोई हमारे सामने नज़र आता है तो हम उनको भी बुला के, सबको बुला के बात करेंगे, समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम सब लोग एक हैं, एकता के साथ, ऐक्यता के साथ इस जो है ना जन विरोधी बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम आने वाले दिनों में करेंगे। टीपीजेडपी का भी पूर्व सिद्धता हम लोग कर रहे हैं, स्थलीय संस्थाओं के जो भी चुनाव हैं, अब देखो बीदर जिले में चुनाव हुए, स्थलीय संस्थाओं के चुनाव हुए, अब उमनाबाद है, चिरगुप्पा है, बसुकल्याण है, बालकी है, हर जगह पे हेलीकेट है, हर जगह पे म्यूनसिपालिटी में, नगर पालिका में बीदर है, कांग्रेस का बहुमत है। ऐसी अब जो तालुक पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के भी चुनाव हुए, चिन्ह के ऊपर नहीं होंगे तो भी कांग्रेस के ही बहुत से लोग ग्राम पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष हैं। ऐसी जो है ना आने वाले तालुक पंचायत जिला पंचायत चुनाव में भी मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, हम सब लोग एकता के साथ लड़ेंगे और पूरे जितने तालुका नए तालुका भी बनाए गए हैं, कमल नगर है, हुलसूर है, चिरगुप्पा है और पुराने जो 5 तालुका, सभी तालुका में तालुक पंचायत ही जो भी चुनाव में कांग्रेस का बहुमत आएगा उनके पूरा विश्वास है। जिला पंचायत में जो कुछ जो है स्थान भी सामने बढ़ोतरी हुआ है वहाँ पर भी कांग्रेस का ही शासन रहेगा। सर जिस तरह से सीएम रेणुका ने ऐलान किया था कि वो रिजाइन देंगे तो आपको क्या लगता है कि रिजाइन देंगे? देखो भैया मैंने अभी कहा है ये सरकार बहुत दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए मध्यंतर चुनाव कभी भी आ सकते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में, वो अपनी आपस की बात है, अपनी उनकी पार्टी की बात है, चाहे उनको रखें, निकालें, क्या करें, वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं।
लेकिन वो पार्टी एक स्थिर सरकार नहीं दे सकती, एक अच्छा सरकार नहीं दे सकती है, बार बार उन्होंने साबित करके दिखाया। इसलिए ये सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। आने वाले विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी हमारी पार्टी की तरफ से जोरदार चल रहा है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल। एडमिशन आर ओपन।